जागृत और विश्व जागृत अवस्था और विश्व मतलब लोकहित चेतन, इन तीन को मिलकर के आकार के साथ चिंतन किया। फिर आकार चिंतन करते करते जब उसमें मन स्थिर होने लगा तो आकार को भी मकार उकार में लय कर दिया। उकार के अंदर कौन आ जाएगा, वहाँ पे सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न और तेजस, ये तीनों मिलकर के उकार है, उकार में लय प्राप्त किया। फिर उकार में लय प्राप्त करने के बाद जब कुछ दिन तक मन वहाँ पे कुछ देर तक मन स्थिर रहता, फिर अकार उकार दोनों को जो है मकार में आपको लय प्राप्त करना। मका क्या हो जाएगा, ये प्रपंच दोनों का दो प्रपंच का कारण और सुषुप्ति अवस्था है प्राग्रोधित चेतन, इसको इस चेतन को प्राग्ञ शब्द के द्वारा कहा गया। फिर तीन को मिल करके मकार को, अब मकार में लय प्राप्त करने के बाद उसके बाद मकार को भी क्या करना है, शुद्ध चेतन में लय प्राप्त। मकार हो गया बीज अवस्था, ये बीज अवस्था को नाश नहीं, इस बीज अवस्था को नाश करने के लिए यहाँ पे बार 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 शुद्ध चेतन की जो चिंतन करेंगे ना उसी से जो है वो बीज नाश हो जाता है। ये मतलब सामान्य चेतन अज्ञान का बाधक नहीं है, सामान्य चेतन अज्ञान का साधक है, सामान्य चेतन अज्ञान का बोध कराता है। परंतु वृत्ति उपहित चेतन होकर अज्ञान एक वृत्ति है, तो वृत्ति उपहित चेतन शुद्ध व्यापक ब्रह्म का जो वृत्ति, वो व्यापक ब्रह्म का वृत्ति हमारे परिपूर्ण जीव वृत्ति को नाश करता है। ये है सामान्य प्रोसेस। तो क्या होगा, इस प्रकार आपने आकार को उकार में, उकार को मकार में लय करने के बाद जो आप जो है कि बीजात्मक जो स्थिति है उससे भी ऊपर उठ करके असंगपूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन की भावना को इसको ब्रह्म का वृत्ति बोलते हैं। व्यापक आकार वृत्ति को मन में बनाते, ये व्यापकाकार वृत्ति जैसे ही हमारा पूर्वक जो दूरी तो क्षय हो जाएगा वो अपने आप वृत्ति और आकार दोनों चला जाएगा, केवल ब्रह्म असंग पूर्ण व्यापक ब्रह्म ही वो स्थिर हो जाता है। और वो क्या करते हैं, ये आप प्रश्न होता है जो ये आपका ब्रह्माकार वृत्ति है ये भी तो अविद्या का अंतोपाति है, हाँ अविद्या का अंतोपाति, इसके नाश कैसे करोगे। बोलते हैं ब्रह्म ऐसा वस्तु है, स्वयं प्रकाश स्वर्णिक वाक है, वो क्या करता है, वो आकार और वृत्ति, वृत्ति वृत्ति जो आकार दोनों को नाश करके केवल अपने आप ही लिया है। दृष्टा बोलते हैं कथक रेणुगत, वर्षा में गंगा जी का पानी गंदा आता है तो वहाँ से कोई व्यक्ति गंगा जी के पानी पीते हैं तो अलाकर जब कुछ कथक रेणुगत फटकरी अथवा कोई पाउडर हो तो उसमें दे देते हैं, वो क्या करता है जल को शुद्ध करके अपने आप उसमें नाश मिल जाते हैं, फिर उसका कोई आकार नहीं रह जाता अलग। इस प्रकार से जो स्थिति को प्राप्त करते हैं उस स्थिति की क्या नामात्र विद्या गति, आकार तक विचार करते रहेंगे तो विराट अवस्था तक प्राप्त करेंगे, आकार के साथ उकार को मित्र मिला करके विचार करके उकार की प्राधान्यता देकर चिंतन करेंगे तो हिरण्यगर्भ तक पहुँच जाएंगे। फिर यदि आप जो है ईश्वर मतलब आकार उकार को मकार में लय करते ईश्वर चिंतन में लगे माया पहले चेतन अव्यक्त हो अब उसकी साहित्यता को प्राप्त करेंगे ईश्वर के साथ, फिर जो है यदि इसको भी पीछे चले जाते हैं तो आप क्या होता है शुद्ध व्यापक चेतन ही हमारा स्वरूप है, इस प्रकार से अनुभव में आते हैं ना। आगे अनुभव के फल क्या होता है नामात्र विद्यते गति, फिर जो किसी प्रकार की गति कोई प्राप्ति कुछ भी नहीं होता, जितना प्राप्त किया हुआ था सारा खो जाता है, सारा खो जाता है, सारा व्यवहार खो जाता है। इसी को मन में रखते हुए स्थिति को समझाने के लिए 12वां मंत्र को कल हमने भाष्य पढ़ लिया था, एक साथ सब मिलकर मंत्र को दोबारा पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे
अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपञ्च उपशमः शिवमद्वैतैव ओंकार आत्मैव संविशति आत्मनात्मानं य एवं वेद। अमात्र है जिसमें कोई मात्रा नहीं है। भक्तों लोग भी इसका व्याख्या करते हैं, भक्तों लोग भी इसका व्याख्या करते हैं अमात्रा। अमात्रा मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण एक बार तो इसमें भी मापने का कोशिश किया, तुला दम देंगे बोलेंगे तो कितना भी चढ़ा वो उठी नहीं रहा है, कितना चढ़ा उठी नहीं रहा है। फिर धीरे से राधा को बोला, बोले तुलसी पत्ती रख दे। एक बार नारद जी को क्या इच्छा हुई कि मैं अकेला मन से इधर उधर घूमता रहता हूँ, ठीक नहीं, मेरे को एक फ्लैट चाहिए। आजकल फ्लैट सिस्टम हो रहा है, मेरे को एक फ्लैट चाहिए। भगवान के पास पूरा द्वारका में दाखला पूरा है, मेरे को वहाँ पे एक फ्लैट चाहिए। हनुमान समझ लिया कि ये जो है इसलिए घूमने के कारण तो माया का घर आवश्यक है। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, देखो अगर कोई फ्लैट खाली हो तो आके मेरे को बताओ, मैं वो तुम्हारे नाम भी कर दूँगा। फिर घूम घाम के देखा कुछ नहीं है, खाली कुछ नहीं है। हाँ 16,800 कहाँ का फ्लैट खाली मिलेगा। तो फिर आया बोलता है कि अब भगवान आपकी माया की वहाँ पर कोई खाली नहीं है, मैं क्या करूँ। देखा कि तो बस भगवान बोलते मैं क्या करूँ, मतलब भगवान नारद को जो है इस माया मुँह से बचाना चाहते थे, मैं तो क्या नहीं दे सकते थे। तो नारद बोला मैं इसके व्यवस्था करता हूँ। तो एक दिन रुक्मिणी जी के पास लगा कि भोजन जल किया दो चार दिन रहे, और फिर बोलता है कि देखो तुम अगले जन्म में भी भगवान को पति के रूप में पाना चाहते हो कि नहीं चाहते। हाँ चाहते, कौन नहीं चाहता। तो ठीक है तब तुमको इस समय भगवान को दान में देना पड़ेगा, भगवान को दान कर देना पड़ेगा। धर्म हमको दान करो तुम, हमको दान करना पड़ेगा। तो संकल्प करा करके उनसे जो है भगवान को दान दे लिया। भगवान शायद उस समय दूसरा किसी के पास गए होंगे, तो वहाँ पे जा करके बोले देखो पूछो ये तुमको दान कर दिया, अब ये सब वस्त्र उतार दो और मेरा जैसा करके तो चलो मेरे साथ घूमो। कोई बात नहीं, जब बोलते हैं मानना पड़ेगा। तब अन्य अन्य पत्नियाँ थी, बोले बोलते एक दिन से थोड़ी होते, हम लोग नहीं छोड़ते ना हमारे साथ है। तब क्या उपाय है, तब वहाँ से देख निकाल। तो इनके वजन के बराबर क्योंकि तब नारद को बहुत सोना संपत्ति मिल जाएगा, इनके वजन के बराबर तुरंत उनके बनवा माल दो, जितना भी देता जाए उठाई ना पूरा धारे का माल वहाँ पर आ गया। फिर जब देखा कि ये तो होने रहे, भगवान देखा कि नारद को मन में अब क्या हो गया, जितना आ रहा है बस मेरे बाकी जीवन तो अच्छा बीत जाएगा, कोई चिंता नहीं। बात है कहीं इधर उधर घूमना भटकना नहीं, अच्छा फ्लैट खरीदूंगा और फर्स्ट क्लास रहूँगा। इतने भगवान ने किसी को बुलाया, रुक्मिणी को तुमने दान दिए थे ना एक छोटे से सोने के दिन का, मैं तुमसे पर तिरा भी सब हटाओ। भक्त किसी भक्तों को रक्षा करने भी नहीं, माया नावत ना आ जाए इससे फंसाने के लिए। ये अमात्र मतलब भगवान को मापा नहीं जा सकता। भक्त लोग भी इसका व्याख्यान करते हैं, जिसको मापा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से तोला नहीं जा सकता। यही चतुर्थ है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, पराभक्ति इसको बोलते हैं। ये पराभक्ति यहाँ पे किसी से मापा नहीं जा सकता भगवान, यही ज्ञान है। किस स्थिति से देखेंगे आप इसमें भी इसी पंशत का व्याख्या रामायण का जी ने भी किया। यहाँ पर तो वो बाहर से प्रसंग ला रहे हैं, यहाँ पर हाँ, पीछे का हाँ, आगे तो ये बात है, ये मुख्य है वेदांत की, आगे पीछे पूरा संदर्भ को बचा करके बोलते हैं। और यहाँ पे सगुण साकार को लेकर उनको वर्णन करना पड़ता है, अशुभ में वर्णन करते हैं। तो ये है बोलते हैं अमात्र, यही चतुर्थ स्थिति है, ये चतुर्थ स्थिति है। चतुर्थ स्थिति मतलब इन तीनों से विलक्षण है, इन तीनों से विलक्षण है। अव्यवहार जिससे विलक्षण होने के कारण स्त्री द्वारा कुछ व्यवहार नहीं होता। व्यवहार का होता है इंद्रियों के द्वारा कोई वस्तु को ग्रहण होकर जब मन में जाता है, तब मन के माध्यम से भी कर्मेंद्र उसका व्यवहार करते हैं। मैंने को पहले इस पेन का इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हुआ, फिर क्या मन में इसका चित्र इसका संस्कार बैठ गया, फिर मैं पेन को व्यवहार करती देती हूँ। अब इसको जब कोई भी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं हो और फिर मन में उसका संस्कार भी नहीं बैठ गया तो मन मुझे पता नहीं पाते और उसका व्यवहार कहाँ से होगा, इसके बोलते हैं अव्यवहार। अब देखिए यहाँ पे भाष्टिका का क्या लिखते हैं, कल भाष्य पढ़ लिया था हमने, अब भाष्टिका का भाष्य को देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक चैतन्यम ओंकार संवेदनम त्रिमात्रेण ओंकारेण अध्यस्तेन तादात्म्यात् ओंकार निरुच्यते। प्रत्येक चैतन्य इंडिविजुअल से ओंकार उसके माध्यम से आपको
ओंकार संवेदन मतलब संवेदन मतलब उपासना, ओंकार का अवलंबन करके हम तीन अवस्था के साथ चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवस्था ओंकार के साथ अधीन हो जाएगा, इस बात को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं प्रत्यक्ष चैतन्य ओंकार संवेदन त्रिमात्र ओंकार न तीन मात्र ओंकार अध्यस्त है ना, जो भी ओंकार वास्तविक मात्रा वाला नहीं है, ईश्वर एक निराकार निर्विशेष है, अध्यस्त है ना तादात्म्य के साथ तादात्मा होने का मतलब हमारे पाप और मात्रा को तादात्म्य कर दिया, ओंकार निरुच्यते उस प्रकार से उस समय साधक ओंकार भाव में आ जाते हैं। तस्य परेण ब्रह्मेण ब्रह्मणा ऐक्यम अमात्रादि सुत्ता विवक्षते, वो जो साधक आप इस समय ओंकार के साथ एकत्र अनुभव कर रहे हैं ईश्वर भाव के साथ, उसको पर ब्रह्म के साथ आप निर्गुण निराकार तक पहुँचाना है उनको, है ना, क्योंकि ईश्वर के साथ एकत्र नहीं होगा, साहित्य प्राप्त होगा, स्वरूप प्राप्ति नहीं होगी, फलत यहाँ पे तस्य परेण ब्रह्मण पर ब्रह्म के साथ निर्गुण निराकार के साथ एकत्र को बोध कराने के लिए ऐक अमात्रादि सुत्ता उसको समझाने के लिए यहाँ पे मात्रा से नहीं थे, जिसको मापा नहीं जा सकता मतलब किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अमात्रादि सुत्ता श्रुति के द्वारा विवक्षते कहने के अभिप्राय होने के कारण ताम अवतार उस श्रुति को अवतरण देते हुए भगवान भाष्यकर व्याकरण थी भगवान भाष्य अमात्र मात्रा जस्य नास्ति सो अमात्र जिसके लिए कोई मात्रा नहीं है, मतलब मियते अनेना इति मात्रा पहले बोल करता है जिसके द्वारा मापा जाता है जाना जाता है समझा जाता है उसको मात्रा बोलते हैं, मियते अनेना इति मात्रा जिसके द्वारा मापा जाता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कोई मात्रा है, मात्रा जस्य नास्ति मतलब जिसको मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए हो गया अमात्र सो अमात्र कौन है ओंकार चतुर्थ तुरीय, ये ओंकार का पारमार्थिक स्थिति है जिसको हम चतुर्थ रूप में बोलते हैं, यहाँ पे अवमात्र को बोले चतुर्थ बोला, चतुर्थ मतलब तुरीय जो इन तीनों में रहता है परंतु स्थित विलक्षण है, ये आत्मा ही है, आत्मा ही वो केवल यही मेरा स्वरूप है, इससे भिन्न और कुछ नहीं है, यहाँ पे जो केवल पद आया हुआ मतलब अद्वितीयता मतलब क्या है, आत्मा में सजातीय विजातीय सर्ग भेद तीनों प्रकार के भेद नहीं है, अद्वितीय हम शब्द बोल करके क्या कहना चाहता है कि हमें सजातीय कोई दूसरा वस्तु नहीं है, विजातीय भी कोई दूसरा वस्तु नहीं है, विजातीय वस्तु मतलब मनुष्य से विजातीय वस्तु कौन हो जाएगा, पशु भेद बोलते सब विजातीय भेद, और स्वगत भेद होते हैं, स्वगत भेद मतलब अपने शरीर में अपना जो भेद है, सर से पैर भिन्न है, उंगली है अलग, बाल है, ये सब जो है आँख नाक कान अपने में इतना भेद है, यहाँ पे क्या हो गया सजातीय भेद विजातीय भेद स्वगत भेद तीनों प्रकार के भेद से रहित है, यह केवल शब्द का अर्थ करते हैं यहाँ पे, केवल आत्मा ही व केवल आत्मा ही केवल रहता है, केवल मतलब क्या हो गया अद्वितीय मतलब समस्त प्रकार की भेद से रहित। अच्छा फिर उसके बाद आया था अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य जो बोला ना इसको बोलते हैं यहाँ पे विशेषण अंतरम उपादयती, एक डेस्क्रिप्शन दिया उसका उनका था अव्यवहार्य, ठीक है ना, उस अव्यवहार का प्रतिपादन करके दिखाते हैं अभिधान अभिधेय रूपयो, एक अभिधान हो गया नाम, समस्त नाम का आश्रय कौन है बन, और अभिधेय हो गया रूप, समस्त रूप का आश्रय कौन हो गया मन, इसलिए नाम वांग मनुष्यो वांग मनुष्य अभिधान अभिधेय रूपयो वांग मनुष्य क्षीणत्वात् उच्छय हो जाने के कारण, उच्छय हो जाने के कारण मतलब क्या हो जाएगा कि इंद्रियों की व्यापार करने के लिए जिस प्रकार की आपको शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको जानना फिर उसका व्यवहार करना ये क्षय हो गया, वो तो उसमें नहीं है उससे नहीं जाए, इसलिए चिन्हत्तर हो गया था अव्यवहार्य, वहाँ पे मन इंद्रियों का वाणी का व्यापार कुछ नहीं चलता, इसलिए बोलते हैं अव्यवहार है, इसी को देखिए टीकाकार लिखते हैं अभिधानम, बाकी जब आप हमारा वेदांत उपनिषद में जब आप मैत्री ब्राह्मण एकायन प्रक्रिया समस्त वाणी का समस्त शब्दों का एक ही आश्रय है वह है वाणी, समस्त रूप का एक ही आश्रय वह है आँख, समस्त शब्दों का एक ही आश्रय स्रोत, इस प्रकार एकायन प्रक्रिया फिर उसको लेकर के आत्मा में जाकर धारण करते हैं, सभी का आश्रय एक ही है, यहाँ भी देखिए वैसे बोल रहे हैं कि अभिधानम वाम, ठीक है ना, अभिधान मतलब क्या होगा समस्त अभिधान का एकमात्र आश्रय हो गया मन, और अभिधेय मन और अभिधेय मतलब रूप उस वाणी के द्वारा जिसको कह जाए वो कहाँ पर स्थित है मन, मन के द्वारा जब इंद्रियों के माध्यम से जब कोई विषय का ज्ञान होकर मन में बैठता तब जाकर हम उसको वाणी के द्वारा बोल सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सब इंद्रियों केवल पांच ही वस्तु को ग्रहण करते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इंद्रियों केवल मात्र वर्तमान वस्तु भी ग्रहण करते हैं उसका अतीत और भविष्य के साथ इंद्रियों एक समय नहीं भूल सकते हैं, मन अश्व देव चक्षुमान अतीत और वर्तमान के साथ कनेक्ट करते हैं, अतीत भविष्य के साथ कनेक्ट करते हैं,
परंतु जब तक इंद्रियों कोई वस्तु ला करके नहीं देता तब तक मन अकेले स्वतंत्र कुछ नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकता। इंद्रियों का दिया हुआ वस्तु चाहे आप जैसे वेदांत शिक्षा द्वारा सुन करके आप फिर जो वस्तु अपने मन में धारण उसको चिंतन कर सकते, आँख के द्वारा देख करके भगवान के रूप के चिंतन कर सकते, परंतु इंद्रियों के द्वारा दिया हुआ वस्तु के द्वारा ही व्यवहार होता है उसी को चिंतन कर सकते। इसलिए आप ये बोलते हैं अभिधानम वाक अभिधेय मन चित्ता चित्तातिरिक्त अर्थ अभावस्य अभिधास्य मानत्वात् तयोर मूल अज्ञान क्षयेन छिन्नत्वात्। इन दोनों का क्या हो गया, मूल अज्ञान की नाश हो जाने के कारण क्षय हो जाने से यह अपना छिन्नत्वात् अव्यवहार्य हो गया है। अव्यवहार्य क्यों है, क्योंकि वांग मनुष्यो छिन्नत्वात् वांग मन का मन का जो व्यापार है वो क्षय हो जाने के कारण वो व्यवहार से रहित हो जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पंक्ति को लगाने के लिए क्या स्थिति है, अभिधान बाद अभिधेय मन ये जो चित्त पद आया हुआ है ना, ये चित्त में सामान्य चित्त लक्ष्य के द्वारा लक्षित है। चित्ता चित्ता मतलब चित्त मतलब क्या, चेतन ज्ञान और उसके रहने वाला जो भाव चित्ता चित्त मतलब क्या है, चित्त चित्त में रहने वाला स्वभावित तत्व भाव में मतलब चैतन्य के भाव। इसलिए एकमात्र चैतन्य के बिना और कुछ नहीं दिखाई देता, इसे बोलता है चित्त अतिरिक्त अभावस्य, चित्त अतिरिक्त अभावस्य अभिधस्य मानता मतलब चैतन्य से भिन्न करके समस्त वस्तु की अभाव है। कोई भी वस्तु चैतन्य को छोड़ करके नहीं रह सकता, शुद्ध चेतन अधिष्ठान के बिना कोई वस्तु की सत्ता स्मृति प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें बोला कि देखिए स्थान विशेष में उस शब्द पंक्ति लगाने का कई समय तक माथा खराब करना पड़ा, सामान्य चित्त अर्थ से नहीं हो रहा है काम। तो कहते हैं चित्त में रहने वाला जो भाव जो सत अचित रूप जो भाव है वो उसके बिना किसी वस्तु का व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए बोलता है कि अभिधानम वाक अभिधेय मन चित्त अतिरिक्त अर्थ अभावस्य, मतलब किस प्रकार चित्त चैतन्य के अधिष्ठान रूपी चेतन के बिना कोई भी विषय वस्तु का अभाव होने के अभावस्य अभिधास्य मानत्वात्, मतलब क्या हो जाएगा वो चित्त के साथ मिलकर के ही उसका अभिधान होता है कथन होता है और चित्त को छोड़ करके उसका वस्तु का अभाव हो जाता है, व्यवहार नहीं हो पाता है वो चित्त का। अब तब क्या हो जाएगा, ज्ञानी पुरुष को क्या देखता है वो सारा चेतन रूपी देखता है। इसलिए सुवर्णमित को जितने कितने भी प्रकार के अलंकार आपने रख दो पर सुवर्णमित को क्या दिखाई देता है, सोना ही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आत्मवेत्ता पुरुष को नाम रूप कितना भी दिखाई दे उसमें क्या दिखाई देगा, वो चित्त ही दिखाई देगा, चित्त और उसका स्फुरन नहीं होगा। समझे चैतन्य के विद्यमानता विद्यमानता के जो भाव है उसको कहना चाहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभिधानम बाक और अभिधेय मनस, ठीक है ना, और चित्त चित्त्यातिरिक्त अर्थ अभावस्य, इस प्रकार चैतन्य से भिन्न वस्तु का अभाव हो जाता है। इस कारण से अभिधस्य मानत्वात्, इसलिए उसको लेकर के हमेशा कथन करते हैं। अब ये क्या हुआ, इन दोनों का तयोर मूल अज्ञान क्षय, इन दोनों का कौन का, किस दोनों का, ये मन और वाणी की जो व्यापार हो रहा है इन दोनों के व्यापार करने का जो निमित्त था वो अभाव हो रहा है, उसका अभाव हो रहा है। मुख क्योंकि जो छिके को ज्ञानी पुरुष को क्या दिखाई पड़ता है, केवल चित्त दिखाई पड़ता है, वहाँ पे ऊपर नाम रूप रहने पर भी उसमें सत्य अत्य नहीं है, परंतु क्या होता है वो चित्त दिखाई देने के कारण कि तयोर मूल अज्ञान क्षय, मूल अज्ञान का नाश हो गया चित्त, तो मूल अज्ञान नाश होने पर तो क्या हो गया, शुद्ध चेतना दिखाई पड़ता है, अज्ञानी तो प्रतिबंधक बैठा हुआ था। इसीलिए बोलता है क्षय छीन अथवा व्यवहार का छीन, किसका बांग और मानी बांग और मन की वाणी और मन की व्यापार का क्षय हो जाने के कारण, वाणी और मन की व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए, नाम रूप के आश्रय चाहिए। आप उस नाम रूप जो अधिष्ठान में लय प्राप्त कर जाके केवल मात्र चित्त रूप में विद्यमान रहने के कारण ज्ञानी के दृष्टि से फल तो क्या होता है कि आप चतुर्थ गतुरी अवस्था को लेकर के बोलते हैं, अवस्था को लेकर तब क्या होता है वहाँ पे सारा व्यवहार के अभाव हो जाता है अव्यवहार्य। इसलिए तुरीय जो है अव्यवहार्य, इसलिए आप बोलते हैं कि अभिधान वाक अभिधेय मन चित्त्यातिरिक्त अर्थ अभावस्य अभिधस्य मानत्वात् तयोर मूल अज्ञान क्षयन, इन दोनों का अभिधान और अभिधेय उसका तरह उपलक्षित है वाक और मन, है ना, इस दोनों का मूल अज्ञान के क्षय हो जाने के कारण इसके प्रति और तादात्मता नहीं रह जाता,
क्षीणत्वात् इति हेतु अर्थ। ये जो हेतु वहाँ पे दिए ना, क्या बोला वहाँ पे, अभिधान अभिधेय रूप और वाम मनुष्योर क्षीणत्वात् अव्यवहार। जो अव्यवहार चिन्ह पे हेतु क्या दिया, वाम मनुष्योर क्षीणत्वात् तुरीय अव्यवहार्य अथवा आत्मा अमात्रा चतुर्थ अव्यवहार्य अकस्मात् वाम मनुष्योर क्षीणत्वात्। वाम और मन, मन की व्यापार वहाँ पे क्षय हो जाने के कारण क्षीण हो जाते हैं। ध्यान देने यहाँ पे क्षीण हो जाना और बिल्कुल नाश हो जाना एक बात नहीं है। क्षीण नाश क्योंकि ज्ञानी पुरुष के भी तो इंद्रिया रहते हैं, पर व्यवहार क्षय क्षीण हो जाता है। मिनिमम जितना प्रारब्ध से जुड़ा हुआ, कोई संकल्प नहीं होता, कोई नया काम नहीं करता, जितना प्रारब्ध से आता है उतना ही नाम, इसलिए बोलते हैं क्षीणत्व कम हो गया। क्षीण लय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, नाशत्व ये नहीं बोल रहे हैं। क्षीण और नाश में भिन्नता समझ आया ना, क्षीण हो इसलिए क्या था अव्यवहार। ठीक है, वान वाणी मन शायद कुछ भी इंद्रिय दिखाई दे, परंतु निश्चय रहता है कि इससे इसमें सर्वथा, क्योंकि देखो भगवद गीता में क्या बोलते हैं, नैव किंचित करो में इति युक्त मन ने तत्वी पश्यन श्रवण स्पृशन चिकरण अस्नान गच्छन स्वपन ससन प्रलपन विस्तृजन गृहन उन्मिशन निमिशन अभी इंद्रियानी इंद्रियार्थेशु वर्तते इति धारणे निश्चय। इसलिए छीन उसके तरफ ठीक ये होगी। छोटा शब्द पंक्ति दिया यहाँ पे, अमात्र चतुर्थ अव्यवहार जो ये तुल्य स्थिति क्या होती है, इसलिए आपने बोला कि अभिधानम वा अभिधेय मनोचित्त अतिरिक्त अर्थ से अभिचित शब्द चैतन्य में रहता है जो भाव, उससे अतिरिक्त किसी विषय का अभाव होने के कारण अभिधस्य मनोत्त केवल उसको लेकर ही इसका कथन होता है। इसलिए तयोर मूल अज्ञान क्षय ना, इन दोनों का माने मन और मानी रूपी इंद्रियों का मूल अज्ञान का क्षय, क्योंकि क्या है ज्ञानी की दृष्टि से ये सारा तो मेरा कल्पित है, शरीर इंद्र मन बुद्धि सभी मेरा कल्पना था। अब ज्ञान हो गया, प्रारब्ध भी कल्पना है, आत्मा की प्रारब्ध नहीं है। शरीर जब तक है तब तक उसे कुछ प्रारब्ध की कल्पना जो हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध की कल्पना तुरंत नाश नहीं होती। जिस प्रकार आपने सर्प को देखा, सर्प को देखा डर के मारे भाग नहीं थे, डर के मारे भागते हुए आपने ठोकर खाया गिर गया आपको सर्प हो गया, कोई उठा करके ले करके आपको सर्प को दिखाया आपको सर्प संपत्ति अज्ञान नाश हो गया, परंतु तो चोट लगा था तो तुरंत नाश नहीं होगा, वो अपने समय से पूरा होगा। ठीक इस ये प्रारब्ध का चोट है, ये प्रारब्ध का चोट है, इसलिए छीन हो जाता है कि पूरा नाश नहीं होता। और एक क्षय और दिन छीन, क्या क्षय होता है क्या छीन, हाँ ये आपके पास मूल अज्ञान क्षय, मूल अज्ञान का क्षय हो जाने के कारण आप क्या हो गया कि वाणी और मन की व्यापार से छीन हो गए, कम हो गए, छीन हो गए। अज्ञान जब तक रहेगा तब तक हमारे व्यवहार खूब चलता है, ये अज्ञान की नाश हो जाने के कारण, क्योंकि अज्ञान में नाम रूप आदि अलग अलग दिखाई देने के कारण उसी के साथ व्यवहार होता है। अब जब नाम रूप आदि अलग अलग रूप में नहीं दिखाई दे रहा, एक शुद्ध चेतन ही दिखाई दे रहा है, और तो क्या होता है प्रारब्ध जो जितना व्यवहार उतना बच जाता है, वो बाकी सब चीन होता है। शब्द प्रयोग देखिए भगवान भाष्यकार को कि नाशत्व ने नाश किया, अज्ञान का नाश हो गया। अच्छा यहाँ भी बोलते हैं अज्ञान ना क्षय उसका नाश करेगी, फिर भी यहाँ पे क्या बोलते हैं जैसे कि जब तक प्रारब्ध है तब तक ऐसा मानना था कि तुलावित मूल अज्ञान नाश हो गया, क्योंकि प्रारब्ध की व्यवहार देखने की वतुला भी तब होते ठाकुर जी कहते हैं शंकराचार्य के विद्या का अभिमान, इसके भक्ति के अभिमान चैतन्य इतना थोड़ा सा बचा के रखते हैं, हल्का तुला लेके हैं, वेरी लाइट जस्ट उतना पकड़ छीन व्यवहार को करने के लिए जितना चाहिए उतना, क्योंकि अज्ञान के बिना व्यवहार नहीं होता, अध्यास करके व्यवहार होता है, अध्यास के बिना व्यवहार होना संभव नहीं है। कई चीज़ यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आनंद गिरी जी ने भाष्यकार ने बोल दिया, थोड़ा सा ध्यान कर मतलब इस पंक्ति को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करना। मूल अज्ञान क्षय न, मूल अज्ञान का नाश हो गया, मूल अज्ञान का नाश होने के कारण छीन व्यवहार क्षय हो गया, इंद्रिय मनोवृत्ति का व्यापार छीन हो गया, इसलिए ये हो गया हेतु अर्थ। मतलब क्या हो गया अव्यवहार जो के लिए हेतु क्या है, वाम मनुष्य और छीनत्वात् चतुर्थ अव्यवहार्य वाम मनुष्य और छीनत्वात्, ये हो गया चतुर्थ अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य अकस्मात् वाम मनुष्य और छीन व्यवहार वाम मनुष्य होते हैं इस कारण से हेतु अर्थ, ये हो गया हेतु का अर्थ। अब एक भारी भारी शंका उठाएगा, भारी शंका क्या उठाएगा, मान लीजिए कि जिसको आप व्यवहार नहीं कर पाते उसका क्या उपयोगिता रहेंगे संसार में, उसको आप इस प्रकार मान लीजिए कहीं किसी जगह पे आपने कहीं मकान किराए में लेने के लिए गए, तो आपने मकान माने से पूछे कमरे में उसको खाली है ना, तो खाली तो नहीं है,
कुछ पुराना सामान सामान रखा है तो उसको निकालो, कोई बोलते नहीं, उसको निकाल के खाली कर साफ कर देते। मतलब जो वस्तु उपयोगी नहीं है उसका हम फेंक ही देते, व्यवहार हो गया, यानी कि कोई उपयोगिता नहीं है, इसको नहीं रहने है ही नहीं ऐसा वस्तु, मतलब नहीं रहने का सामान है, नहीं रहने का सामान हो गया। ऐसा जब हमारे मन में शंका होता है, क्योंकि कई बार ऐसा बोलते हैं जब देव व्यवहार के योग भगवान किसी ने तो भगवान को रूप धारण करके व्यवहार को सामने लाते हैं, तब तो भगवान का पूजा आदि होती है, शुद्ध आत्मा में होना संभव नहीं। तब जब इसे नहीं है तब है नहीं ऐसा मान लिया जाए, जब व्यवहार होना संभव नहीं है उसका उपयोगिता नहीं है, यदि ऐसा कहते हैं तो महान उपयोगिता है। इसी का ही ज्ञान से जन्म मृत्यु के बंधन छूटने वाला है, इसी को मन में रखते शंका उठाने। अब व्यवहार जैसे आत्मा नास्ति एव इति आशंक, ठीक है ना, यदि वो व्यवहार के योग को है नहीं तो है नहीं वो वस्तु, ऐसा मान लिया जाए। मंदा पुत्र को आज तक किसी ने कहीं इसी जगह पे राजा बनाया कि नहीं बनाया, तो जो जो जिसके कोई व्यवहार नहीं हो सकता नहीं है, शब्द मात्र प्रयोग होता है, ऐसे कहते वो है ही नहीं वस्तु, ऐसा हम कहें तो अव्यवहार चेत आत्मा नास्ति एव इति आशंक विकार जात विनाश अवधि तेना आत्मन अवशेषा नहीं मिति आह। देखो भाई, समस्त भ्रांति के अधिष्ठान के रूप में जो रह जाता है ना, जिससे व्यवहार नहीं होता वो जो है बचा रहते हैं अंतिम तक, इसलिए वो ऐसी वस्तु नहीं है कि अब मतलब जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि समस्त भ्रांति के पीछे कोई ना कोई अधिष्ठान चाहिए, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। और भ्रांत वस्तु जब लय प्राप्त करता है, कहाँ लय प्राप्त करते हैं, उसी में उसी अधिष्ठान में लय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका अलग करके तो ठाम करें दिमाग में सामने दिखाई दे रहा है, जो आपको समझ में नहीं है हमारे दिमाग के वस्तु हमने वहाँ पर अध्ययन कर दिया, अब क्या हो जाएगा कि अब हमारा विवेक हो गया, क्योंकि हमारा नहीं नहीं यार ये वस्तु यहाँ नहीं है, तो कहाँ गया वो, बस जहाँ पे दिखाई दे रहा तो वहीं पर हो जाए प्राप्त कर लिया, वहीं पर वहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं विकार जात विनाश अवधितेन, ठीक है ना, जात यहाँ का अभिप्राय समूह, विकार समूह का विनाश अवधितेन, उसका नाश की अवधि के रूप में, मतलब उसका जहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है उसका आगे आप नाश नहीं कर सकते हैं, निराकरण करते जाइए, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, करते करते जहाँ पे आज निषेध नहीं किया जाता वो निषेध के अधिष्ठान के रूप में जो बचा रहे थे वो आत्मतत्व है। इसलिए वो तो अवधि तेन आत्मन अवशेषात आत्मा बच जाने के कारण नहीं वम वो है नहीं ऐसा नहीं कह सकते, हम शून्यवादी नहीं है, बौद्धवादी शून्यवादी, हम वेदांत शून्यवादी नहीं है, हम सद अधिष्ठानवादी है, हम सत्कारणवादी है ना, कारण हमेशा सत रहता है, सत अधिष्ठानवादी है ना, इसीलिए बोलते हैं नहीं वम इति, उसको मन में रखते हैं। देखो यदि उसका ज्ञान हो जाएगा ना तब ये जो सुख दुख के व्यवहार के रूपी हेतु जो प्रपंच है उपशम प्रपंच शांत हो जाता है, इसलिए है प्रपंच उपशम, जिस समय आपको मन इंद्रियों के व्यापार आप इसलिए तो समझो हम बोलते हैं मन इंद्रियों के व्यापार को कम करते हैं तब धीरे धीरे वो अधिष्ठान तत्व तो पूर्ण समझ में आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रपंच उपशम। तस्य च सर्व अनर्थ अभाव उपलक्षितस्य परमानंद तेन पर्यवसनम सूचयति, वो जो सभी मतलब विकास समूह का अधिष्ठान रूपी जो तत्व बचा हुआ है वो एक भूमा व्यापक तत्व है, और जो व्यापक है वो आनंददायक है पूर्ण है, इसलिए बोलते हैं जो एक भूमा तत्व का विषय में बोलते हैं तस्य च दशमत चार नंबर टिप्पणी प्रत्येक अभिन्नस्य ओंकारस्य प्रत्येगात्मा अभिन्न ओंकार तत्व का हमने निरूपण किया उपाधि रूप उसका च सर्व अनर्थ अभाव उपलक्षित, वहाँ पे कहता है समस्त अभाव के द्वारा उपलक्षित होता है, समस्त अभाव के द्वारा उपलक्षित मतलब सुख दुख सारा का अभाव है, अभाव के द्वारा जिसको दिखाया जाता है, अभाव के यहाँ पे देखना अभाव मतलब हम जो अविद्या को बोलते हैं विद्या विरोधी भाव वस्तु, हमारे स्वरूप सुख के विरोधी एक वस्तु जो हमको परिच्छिन्न बना करके हमें सुख दुख प्रदान करता है उसका अभाव हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। तस्य च सर्व अनर्थ अभाव उपलक्ष्य, समस्त अनर्थ के अभाव के द्वारा उपलक्षित होता है, तो परंतु वहाँ पे एक चीज अभाव के द्वारा तो समझ में नहीं आता, हाँ ये ठीक बोला आपने, आप देखना एक आनंद की अनुभूति होती है परमानंद तेन, वो परम श्रेष्ठ आनंद है, परिच्छिन्न आनंद नहीं है, विषय इंद्रिय संयोगा जत अग्रे अमृतोपम परिणाम विषम राजसम सुख, ये जो जो भी हम विषय इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें सब राजसिक सुख। और वहाँ पे क्या बोला अभ्यास रमत यत्र दुखम चत्र निगच्छति जत अग्रे परिणाम अमृत अभ्यास सुखम प्रतिबंध अभ्यास दुखम
विषम एवं परिणाम अमृत बनो, ध्यान जो शुरू में जो है बहुत कठिन लगता है परंतु परिणाम क्या होता है वो बिल्कुल अमृत समान हो जाता है, वो सात्विक शुरू। इसीलिए यहाँ पे जो साधन करते हुए जाएंगे साधन करते हुए कठिन नहीं लगता है, परंतु कठिन करते करते क्या होता है सारा जो प्रबंध जो समझ जाता है व्यवहारशील हो जाता है, उस अधिष्ठान भूमि जो तत्व बचा रहता है वो अमृत वंश में आनंदमय परम आनंद पर्यावसन छूट, वो परम आनंद रूपी है उसी में पर्यावसित हो जाते हैं परिसमाप्त होता है। इसी को सूचित करने के लिए श्रुति वहाँ पर स्वयं शिव पद को दिया हुआ है, शिव पद सबसे कल्याणकारी पद, तो उसके होते हैं शिव तुम्हें होते हैं शिव ही। आजकल मैं बताया था वशिकांतो धातु से ही बनते वर्ण विपर्जय करते मोस्ट ब्यूटिफुल एंड ऑस्पिशियस इस ऑप्शन में। फिर आगे देखिए शिव क्या कैसे होता है, तस्य एव सर्वद्वैत कल्पना अधिष्ठान तेन अवस्थान अभिप्रेत अद्वैत, परंतु वही तत्व समस्त द्वैत कल्पना की अधिष्ठान है, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष ही सगुण साकार की कल्पना की अधिष्ठान है। इसीलिए हमें बोलते हैं तस्य भूत शिव तत्व रूपी ओंकार है वही जो सर्वद्वैत कल्पना अधिष्ठान तेन समस्त द्वैत कल्पना का अधिष्ठान रूप होने के कारण अवस्थान विद्यमान रहते हैं अभिप्रेत, इसी को मन में रखते फिर उसका आगे क्या दिया शिव अद्वैत, ठीक है ना, वह शिव कौन स्थिति है इसलिए शांतम शिवम अद्वैत, भेद रहित स्थिति ही सबसे कल्याणकारक है, भेद रहित स्थिति सबसे कल्याणकारक है, और भेद दृष्टि बना के रखना भेद बना के रहना ये अकल्याणकारी मंगल नहीं अमंगलकारक है। देखिए आज भी हमारे समाज में कोई परिवार में कोई नया व्यक्ति आया किसी परिवार में कोई नया व्यक्ति आया जिसके निमित्त से यदि परिवार में फूट पड़ जाते हैं तो लोग उसको अच्छा नहीं बोलते। व्यावहारिक जगत में भी देखिए आप एक साथ कई व्यक्ति मिलकर के एकत्र बुद्धि में था किसी एक निमित्त को ले करके उस परिवार में यदि पथभोष निमित्त का फूट पड़ जाता है उस निमित्त को लोग अच्छा नहीं बोलते, यानी कि मतलब भेद दृष्टि को निंदा व्यावहारिक जगत में भी है, भेद बना के रखना भेद करना ये दृष्टि की निंदा व्यवहारिक जगत में भी है। इसलिए आपने बोला कि अद्वैत परम कल्याण कल्याणकारी है परम कल्याणकारी है तस्य सर्वद्वैत कल्पना अधिष्ठान तेन अवस्थान अभिप्रेत, उसको मन में रखते रहते हैं अद्वैत, प्रपंच उपशम शिव अद्वैत। ओंकार स्तूर्य सन आत्मा एव इति यदुक्तम तदुपशम करते, इस प्रकार से ओंकार वो जो है वही तूर्य मतलब क्या होगा तीन अवस्था में रहने वाला परंतु उससे विलक्षण यही ओंकार के परामर्श होते हुए वो हमारे स्वरूप ही है आत्मा मतलब वही प्रत्येक जीव का स्वरूप ही है। यदि यद उत्तम ही जो पहले कहे क्या कहा तब उपसंहरति उसका उपसंहार करते हैं एवं त एवं काम ये है कि प्रपंच उपशम शिव अद्वैत समृद्ध मतलब ये अद्वैत भाव पूरा फैला हुआ व्याप्त समृद्ध मतलब उस भेद रहित भाव को मतलब प्राप्त करके एवं इस प्रकार से यथक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार स्त्री मात्र स्त्री पाद आत्मैव, इस प्रकार उपासना करने वाले विज्ञान पद मतलब क्या हो जाएगा कि पादान और मात्राओं को ही एकत्व को समझने वाले व्यक्ति उपासना के माध्यम से जा रहे हैं ध्यान देना है ना, इसीलिए उपासना का मतलब होता है ये जो इस प्रकार से विज्ञान पादान मात्राणाम से एकत्व यथक्त विज्ञानवत उसका अर्थ कर रहे हैं टीका में देखिए यथक्त विज्ञानवत यथक्तम विज्ञानम पादान मात्राणाम से एकत्व, इसके द्वारा इसलिए कट्ट चिंतन के फलस्वरूप जो ओंकार त्रिमात्रा वाला जो ओंकार है और वो आत्मा का ही पाद है, इस प्रकार से ओंकार और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं रहेगा, मेरा स्वरूप और ओंकार ही है पूर्ण ही। अब जब न च टीका में न च पादा मात्रा से तुरीय आत्मनि ओंकार संध्या क्या हो गया जो चतुर्थ तुरीय अवस्था है इसमें ना पाद है ना मात्रा है, तभी तो अमात्रा बोला यहाँ पे ना पाद है ना मात्रा है, ये अकार उकार मकार ये वो निर्गुण निराकार निर्विशेष को मतलब समझने के लिए ये मात्रा को कल्पना किया गया है ना। आप जब चतुर्थ अवस्था में आप पहुँचेंगे तो ना पाद है ना मात्रा है, फिर भी पद्धति अनैन इति पाद इसी के माध्यम से चल करके उसको प्राप्त करता है, प्राप्त हो गया वो पाद गया, इसीलिए आप बोलते हैं कि न च पादा मात्रा से तुरीय आत्मनि ओंकारी शांति, तुरीय स्वरूप जो आत्मा है उसमें पाद भी नहीं है मात्रा भी नहीं है। पूर्व पूर्व विभाग से उत्तर उत्तर अंतर्भावेन क्रमान आत्मनि पर्यवस्यति इति एवं लक्षणं तद्वता प्रयुक्त सन ओंकार मात्रा पादांश स्वस्मिन् अंतर्भाव्य
अवस्थितस्य आत्मन भेदम असहमान तदरूप भवति इति अर्थ। देखिए कैसे कैसे शुरू करेंगे, पूर्व पूर्व विभाग। पहला विभाग क्या था, स्थूल प्रपंच आकार है ना, ये शरीर इंद्रिय मन जो स्थूल देखा करते हैं विभाग। उत्तर उत्तर अंतर्भागेन, आकार को उकार में, उकार और आकार को मकार में, इस प्रकार अंतर्भाग करते हुए क्रम, फिर मकार का भी अपने लय कर दिए, इसलिए क्रमात् आत्मनि पर्यवस्यति ना, क्रम से आत्मा में पर्यवसन हो जाता है, ऊपर में मिल जाते हैं। इति एवं लक्षणम तद बता, इस प्रकार एवं लक्षण के द्वारा जो ओंकार अभिलक्षित है उस वाला होकर के तत् प्रयुक्त सन, उसके द्वारा प्रेरित होकर उस भाव में आकर के समृद्ध शब्द करते करते प्रयुक्त सन ओंकार क्या होता है, मात्रा पादांश, इसलिए ओंकार की मात्रा का क्या हो गया, ओंकार और जीवात्मा एक हो गया, तो जीवात्मा की पाद और ओंकार की मात्रा दोनों एक होकर उस आत्मा भी लय प्राप्त करते हैं। अभी जो भ्रांत वस्तु से लय प्राप्त करते जो होता है मात्रा पाद, मात्रा द्वितीय बहुवचन है, मात्रा को पादों को सस्मिन अंतर्भाव है ना, अपने अंदर उसका अंतर्भाव करके अवस्थित विद्यमान रहने वाले आत्मनिर्भिक मतलब स्वरूप का भेद असहमान, उस समय क्या होता है भेद फिर सहन नहीं होता। यहाँ पे ये कोई आता है हमारा ये दस श्लोकी में एक भगवान दस श्लोकी भगवान शंकर जी ने लिखा हुआ है। मैं पहले ही बोला था हम वेदांति इतना मतलब वो है ना, शिष्य ना शास्त्र, ना शास्त्र ना शिक्षा, न चत्तम न बाह न बाहम प्रपंच स्वरूपावबोधे विकल्प अशेष। एक बार स्वरूप का बोध हो जाता है फिर कोई विकल्प कोई भेद सहन नहीं करता, बस ये पूर्ण पूर्णता के बाद में विद्यमान रहता है। जिन लोगों ने इतना शास्त्र का प्रणयन किया शिक्षा दिया उन लोग स्वयं बोलते हैं ये सब अविद्या करते थे, अविद्या क्षेत्र में ये सब, न शिष्य न शिक्षा न शास्त्र न शास्त्र, ना शिष्य है ना शिक्षा है ना शास्त्र है ना सिखाने वाला है, चारों ही स्वरूपाव बोध है विकल्प। जब शिष्य स्वरूप का बोध हो जाता है तब कोई विकल्प हम सहन नहीं करते, इसके यहाँ पे बोलते हैं कि विकल्प आत्मा न भेदम असहमान, आत्मा में कोई भेद के सहन नहीं कर सकता उस समय। तदरूप भवति मतलब एक पूर्ण रूप में पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यति, पूर्ण भाव में स्थिर हो जाता है न भवति इति अर्थ। उक्त ऐक्य ज्ञान से फलम, इस प्रकार भाव को जब आप प्राप्त कर गए तब उस समय अंतिम फल, भाव को प्राप्ति फल है और कोई अलग कोई फल नहीं है, परंतु जब तक जीवन मुक्त अवस्था में रहते तब तक तो अन्य को देखने वाले को तो अज्ञान दशा में हम समझा रहे हैं अभी, तो हमको उसमें प्रेरित करने के लिए अज्ञान दशा में शास्त्र हमको समझा रहे हैं। यदि स्थिति को प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होने से क्या होता है, उसको लेकर के बोलते हैं, क्योंकि ये स्थिति को प्राप्त करने ही फल है और भी अलग फल नहीं है, और भी अलग फल नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान का फल है, ज्ञान का फल हाँ व्यवहार व्यवहारिक जगत में होता है, ज्ञान होने पर व्यवहार होता है और यहाँ पे क्या होता है ज्ञान होने से व्यवहार लोप होता है, इसलिए ज्ञान का फल ज्ञान ही और कुछ है ही नहीं फल इसका। अन्य जगह पे कोई वस्तु का ज्ञान हुआ मैंने अंग्रेजी सीखा तो अंग्रेजी फल अंग्रेजी बोलने लगा, कोई चीज़ को जाना तो हम उसका व्यवहार करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जानने के बाद व्यवहार ही बंद हो जाता है, क्योंकि विषयात्मक ज्ञान नहीं है, मन का विषय नहीं बनता, इसलिए भी बोलते हैं इसका फल क्या है। उक्त ऐक्य ज्ञान से इस पर एकत्व बोध रूपी जो ज्ञान है अथवा एकत्व रूपी जो ज्ञान है उसका फल को कहते हैं संविशति है ना, सम्मक रूपेण विशति मतलब विषय प्रवेश हो जाता है, एक हो जाता है, मतलब जो भेद था ना भेद बुद्धि चला था, आत्मना मतलब आत्मना तो स्वेन एव अपने द्वारा ही, स्व मतलब आत्मना आत्मान बोल रहे थे इसलिए आत्मना आत्मा स्वेन स्व अपने द्वारा अपने को मतलब पारमार्थिक आत्मान जो परमात्मा की जो पारमार्थिक स्थिति है उसको जो जानते हैं इस प्रकार जानते हैं जो है एवं वेद परमार्थदर्शी जो इस प्रकार जानते हैं परम तत्व को देखने वाला। देखिए यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं सुषुप्ते ब्रह्म प्राप्त पुनरुत्थानवत मुक्त भी पुनर्जन्म से एक आशंका, ठीक है ना। देखो भाई जब आप जो सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं सुषुप्त में सदा सौम्यतरा संपन्न भवती आप बोलते हैं सोम अपितु भवती ब्रह्म के साथ एक होकर के सोता है, तो सुषुप्त में जब ब्रह्म के साथ एक होकर के सोता है फिर जाग करके फिर उसे भेद व्यवहार करता है, इसी प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी फिर वो भेद व्यवहार करेगा फिर पुनर्जन्म होगा जैसे हमें दिखाई देते हैं, तब उसका निषेध करने के लिए अगला पद निशंका यह सुषुप्ति ब्रह्म आपने जिस दृष्टांत के द्वारा हमको आत्मज्ञान को आप समझाना चाहते हैं सुषुप्ति हमारे दृष्टांत है
ये आत्मज्ञान की स्थिति है। उस समय आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यता छूट जाता है, परंतु अपने अस्तित्व समझ में आता है। पहले बोला था कि जागृत को अपनी सुषुप्ति बनाओ, तो आप क्या होता है सुषुप्ति में जाने से फिर हम उठ करके अज्ञानी की तरह व्यवहार करते रहते हैं, परंतु वेदांत में ऐसा नहीं होता। वेदांत में क्या होता है, ये सहज समाधि है और इस समाधि से उत्थान नहीं है। यदि आँख नाक कान सब बंद करके विचार सब बंद करके समाधि लगाएंगे तो उससे कुछ देर बाद हमको उत्थान होता है। हम सब कुछ खुला रखते हैं, जो विचार से उस तत्व को समझ जाएंगे तब क्या होता है वहाँ से फिर बाहर होता है, फिर वहाँ से जन्म भी नहीं होता। इसलिए आप बोल रहे हैं कि सुषुप्ते ब्रह्म प्राप्त पुनरुत्थान बाद मुक्त सभी पुनर्जन्म से मुक्त पुरुष का ही पुनर्जन्म हो जाएगा, क्योंकि आश्रम के ऐसा कुछ शंका करते हैं उसका उत्तर बोलता है परमार्थ दर्शी, है ना, सबसे श्रेष्ठ विषय को देख लेने वाला परम मतलब है अति मतलब विषय, जितने विषय रूप नहीं है अदर्श मतलब देखने वाला। अभी क्या है कि अधिष्ठान भी अंतर सच्चिदानंद दृष्ट को समझ जाने के कारण फिर उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि अज्ञान नाश हो गया। परमार्थदर्शी मतलब क्या हो गया, ब्रह्मविद, है ना, उस व्यापक कथा को जानने वाला। फिर व्यापक कथा ब्रह्मविद मतलब कोई भगवान शिव जी का ज्ञान हो गया ये नहीं समझते हैं अभी, ब्रह्म मतलब क्या गया अपनी निरतिशय व्यापक कथा के साथ एकत्व हो गया यही ब्रह्मविद। ये तृतीय ये जो यहाँ पे तृतीय बीज भावम दग्ध हो क्या होता है, जो तृतीय स्थिति है, तृतीय स्थिति क्या निश्चय भाव जहाँ पे बीज रहता है तो बीज प्राग मतलब यहाँ पे जो ईश्वर भाव, आप तो वेष्टि में हम नहीं बोलेगा आप समष्टि में जाते हैं ना, इसीलिए क्या बीज भावम दग्ध्वा उसको जला करके, क्योंकि ज्ञान कभी भी उत्पन्न होगा अज्ञान को नाश किए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, उसको जला करके उत्पन्न होता है। इसलिए क्या होता है बीज भावम दग्धा आत्मान प्रविष्ट, फिर आपने में एक होगा। ये भी बीज धातु का निष्ठा रूप है, प्रविष्ट बीज धातु का रूप है, बीज धातु का निष्ठा रूप है। इकार के कारण आपका यहाँ पे आपको मूर्धस हो जाता है, मूर्धस के बाद तपार आया तो प्रकुशल में लगा प्रविष्ट इति, इस वहाँ पे प्रविष्ट न पुनर्जायते, फिर दोबारा उसको उत्पत्ति नहीं होती। क्यों, तुरीय अबीजत्वा, तुरीयों में बीज नहीं रहने के कारण, तुरीय में बीज नहीं रहने के कारण। देखिए टीकाकार लिखते हैं सुषुप्तस्य पुनरुत्थान बीजभूत अज्ञानस्य सत्वाद् उपपद्यते। समुद्र में आप एक बार की पानी डाल दोगे तो दोबारा आपको पानी ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, परंतु आप यदि आजकल जैसे बोतल की पानी मिलते हैं और बोतल के पानी को बोतल बंद करके रस्सी में डाल करके उसको सुषुप्त आपने समुद्र में डाल दिया, तब वो पानी आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो क्या भिन्नता मिलेगा, भिन्नता यही होगा, मान लीजिए पानी गर्म था वो गर्म पानी क्या हो जाएगा, वो समुद्र के पानी की तरह ठंडा हो जाएगा, पानी तो ही रहेगा, पानी के अंदर जो गुण था वो चला जाएगा। यदि गर्म था तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा था तो जैसे समुद्र को इतना हो जाएगा, इसीलिए आपने डाले थे। ठीक ऐसा है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि उपाधि के साथ जो हम आपने क्या किया कि जब सुषुप्त में अवस्था में जाते हैं तो अज्ञान रूपी पॉलीपैक अथवा बोतल के साथ मिल करके हम ब्रह्म में लय प्राप्त होते हैं, चित्त सागर में डूब जाते हैं। तो चित्त सागर में डूबने के कारण जागृत स्वप्न सुषुप्त में जो हमें क्लांति हुई थी, परिश्रम के कारण क्लांति हुई थी, वो मिट जाता है, परंतु अज्ञान है बोतल रह गया, परंतु क्या हो गया फिर जाग करके शरीर के साथ आनंद का भाव करते हैं। अब यहाँ पर अपने जागृत में बैठ करके जब आप सुषुप्त में जा रहे हैं तो क्या होता है धीरे 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 वो बोतल छीन होता है, छीन होता जाते से क्या हो जाएगा वो चित्त जो परिच्छिन्न चित्त था, बोतल परिच्छिन्न मतलब अज्ञानोपहित चेतन था, वो अज्ञानोपहित चेतन अब क्या होता है उपाधि टूट जाने के कारण व्यापक चेतन के साथ एक हो जाता है, फिर दोबारा वो जल ढूंढने से नहीं मिलेगा, बोतल फिर दोबारा वो जल ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते फिर जन्म नहीं होता उसको। इसलिए सुषुप्त से पुनरुत्थान बीजभूत अज्ञान से सुषुप्त में जो पुनरुत्थान होता है बीजभूत जो अज्ञान है उसको विद्यमानता के कारण दोबारा उत्पत्ति होना संभव है। इहतु मतलब जिस चतुरी अवस्था में आकर के मतलब स्वरूप अवस्था में आकर इहतु उसके विलक्षणता दिखाने के लिए तू बीजभूतम अज्ञानम तृतीय सुषुप्त दग्ध बीजभूत जो अज्ञान जिसको तृतीय में आते सुषुप्त शब्दों की तरह कहा गया उसको जला करके ही दग्ध एव देशान आत्मान तुरीय प्रविष्ट उस पूर्णिमा के दिशा मतलब विश्वादिना। देखो विश्व तेजस है स्वप्नों में जो आत्मा तो एक ही था, अलग अलग दिखाई देना, एक ही आकाश, एक बड़ा घड़ा, एक
बीच शेष के घरा एक कुल्डर में एक ही आकाश अलग अलग रूप में प्रति भी होते हैं। इसी प्रकार एक ही पूर्ण आत्मा आपको स्थूल शरीर के साथ तादात्म करके ये भाव में आता है। फिर सूक्ष्म शरीर के तादात करके भाषणात्मक जगत को देखते हैं, फिर अज्ञान को देखते हैं। वो जो तीन वैश्य प्रार्थना ये तीनों क्या हो गया, अब शुद्ध आत्मा है, अब नाम नहीं है। इसलिए बोलते हैं तेषाम आत्मा में उसके अंदर जो आत्मा दिखाई दे रहा है, तो उपाधि के साथ जो आत्मा दी आत्मा को तुरियम प्रविष्ट हो, क्या हो गया अभी वो उपाधि को तोड़ करके पूर्ण तक्षक में प्रवेश कर गया। अब घरा को तोड़ दिया आपने आकाश के साथ, आकाश एक हो गया। उपाधि जो था उपाधि के कारण आकाश पर चिन्ह दिखाई दे रहा था, उपाधि टूट गया। साधन के तरह आपके तादात्म्य छूट गया, साधन के फलस्वरूप क्या हो गया उपाधि टूटने का मतलब उपाधि के साथ तादात्म्य छूट गया। ये नहीं कि आपका शरीर मरने के बाद होगा, बीते जी होगा, परंतु तादात्म्य छूट जाने के कारण कि तेषाम आत्मानं तुरीयं प्रविष्ट विद्वान इति उसका विद्वान इति नाशो पुनरुत्थान अर्हति। फिर ये विद्वान पुरुष फिर पुनर्जन्म के लिए योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि बीज का नाश हो जाने का। क्यों? कारण से कार्य दिखाई पड़ता है। कारणम अंतरेण तद अयोगा, कारण था अज्ञान, अज्ञान नाश हो गया इसका जन्म भी नहीं होगा। कारणम अंतरण कर मतलब जन्मादि कार्य अजोगा युक्त संगत नहीं होने के कारण इसका भी पता है। तुरियम एवं पुनरुत्थान बीजभूतम भविष्यति इति आशंक कार्य कारण विनिर्मुक्तस्य तस्य तत् अजोगा मैं गमित। ठीक है, आपको क्या हो गया कारण नहीं है तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा, तो कारण ही अन्य रूप में दिखाई देने लग जाएगा। यदि ऐसा मानते हो हमारे यहाँ पे तो कार्य का कोई एक परिणाम पद को लेकर के बोला, अब विवर्तवाद को लेकर के बोलते हैं तो दोबारा फिर विवर्त होना शुरू हो जाएगा। बोलते हैं ज्ञान होने के बाद फिर विवर्त नहीं होता, जिस पर रज्जु के ऊपर सर को दिखाई देता है विवर्तवाद में अतात्विक अन्यथा भाव, और तात्विक अन्यथा भाव हो गया परिणामवाद जो तत्व रूप में परिणत होता है, और अतात्विक अन्यथा भाव रज्जु कभी भी सर्प रूप में परिणत नहीं हुआ परंतु अन्य भाव में ग्रहण हो रहा है सर्प रूप में ग्रहण, ये हो गया विवर्तवाद। तो ठीक है, परिणामवाद से उत्पन्न नहीं हो सकता, विवर्तवाद से दोबारा उत्पन्न होने लग जाएगा। यदि ऐसा कहें तो देखिए इन दोनों में भिन्नता को समझा, कारण अंतरण अजगत परिणाम बाद में तो कारण नहीं है तो कार्य उत्पन्न नहीं है। तुरियम एव पुनरुत्थान बीजभूतम, तो तुरीय जब पुनरुत्थान के बीजभूत रूप में रहेगा तो भविष्य वो रह जाएगा इति आशंक, नहीं नहीं वहाँ पे तुरीय में जो है कारण का धर्म नहीं है ना। कार्य को अर्थात तो आदेश नीति नीति करके कार्य को उचित करके आपका क्या हमारी कार्यकरण प्रक्रिया में कई बार बताया आपको कार्य दिखाई दे रहा है जब कार्य दिखाई दे रहा है तो कारण के बिना तो कार्य नहीं रह सकता, तो कोई कारण है बोला हाँ, तो कार्य है दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्टेप, हाँ तो कार्य सेकंड स्टेप पे होगा कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता चाहे विवर्तवाद हो चाहे परिणामवाद हो, बोला ये सभी वादी का मानना है। अब क्या बोलते हैं कार्यात्मक जो जगत दिखाई दे रहा है वो नहीं है, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में बोला अथवा वाचारंभन भी कर हमारे लिए वेदांति के ट्रम्प कर रहे, इसी को देखकर कहाँ पे कहीं भी अथा तो आदेश नेति नेति अगृह नय गृह तो अशीर्घ नय शीघ्रते चार बार और मूर्तामूर्त ब्रह्म में एक बार, इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाता है उसको निषेध कर देते हैं। मतलब वहाँ पे कार्यात्मक जो वस्तु दिखाई कार्य नहीं है, तो यानी कि उसमें जो कारणता रूपी धर्म को आपने आरोप किया था वो नहीं है, परंतु वो वस्तु एक कोई एक कोई नए कारण के रूप में, कोई नए कारण के रूप में, जैसे मैं बोला था आपको एक बार बिंब प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब के सापेक्ष में बिंब बोला जा रहा है, परंतु जो दसों घरा टूट गया ना घरा है ना जल है ना प्रतिबिंब, तो क्या बचा आपके पास? अब तक उसमें बिंब शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि लाइट ही प्रयोग, बिंब शब्द प्रयोग नहीं है। ठीक, इसीलिए आप बोलते हैं तुरियम एव पुनरुत्थान बीज भूतम भविष्यति इति आशंक कार्य कारण विनिर्मुक्त, वहाँ पे कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं, कारण भी कारणता भी नहीं है, कार्य नहीं है कारणता कहाँ से आएगा? कभी भी रज्जु जो है वो सर्प के परिणाम के लिए कारण नहीं बनता, विवर्तवाद है। कार्य कारण विनिर्मुक्त तस्य तद अजगत तस्य मतलब तुरीय तद अजगत मतलब फिर पुनर्जन्म अजगत, इसलिए मैं बम ऐसा होना संभव नहीं है। इसी को मन में रखते होते हैं तुरीयस्य अबीजत्वात्, तुरीय किसका बीज नहीं होता। बीज अगर देख रहे हैं तो ईश्वर तक है, ईश्वर में बीज है, माया तक शुद्ध चेतन किसी का बीज नहीं होता, ये अभिप्राय है अबीजत्वात्। मुक्तस्य अपि टीका में मुक्तस्य अपि पूर्व संस्कारात् पुनरुत्थानम आशंक दृष्टान्तेन निराचष्टे। आप जो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार हमने एक बार किसी व्यक्ति को आँख छू करके ये गर्म है ये बोध हो जाने के बाद वो दोबारा आँख छूने जाएगा कि नहीं जाएगा? एक व्यक्ति को आँख
सुनने के बाद पता लग गया कि गर्व है। ये दृष्टांत भगवान भास्कर ऋषि और उपनिषद में दिया। तो उसको दोबारा फिर आँख छुका के परीक्षा करने जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि मतलब जिस व्यक्ति को एक बार उस वस्तु का स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर उस विषय में भ्रांति नहीं होता। नहीं, आप तो ठंडा हो गया, एक बार छूकर देख लूँ, ये भ्रांति फिर दोबारा नहीं। एक बार अनुभव में जो आ गया, फिर दोबारा उस विषय भ्रांत नहीं होता। इसके हम बोलते हैं कि इसको बोले मुक्त से अभी मुक्त टीकाकार क्या बोलते हैं, मुक्त से अभी पूर्व संस्कारा, मुक्त पुरुष का भी पूर्व संस्कार के कारण जब तक जीवन ग्रहण करे पुनरुत्थान आशंक, दोबारा व्यवहार करेगा पुनरुत्थान हो जाएगा, जन्म हो गया ऐसा संकट है। दृष्टान्त न निराचस, उसके दृष्टान्त के द्वारा निराकरण करते हैं भगवान वाचन। नहीं नहीं, ज्ञान होने के बाद फिर अज्ञानी के द्वारा व्यवहार नहीं करते। दृष्टान्त निरा नहीं, रज्जु सर्पयोर विवेके रज्ज्याम प्रविष्ट सर्प बुद्धि संस्कारा पुनः पूर्ववत तद विवेकिना उत्थास्यति। जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प आपने पहले नहीं समझ में, बाद में विवेक पूर्वक आपने रज्जु को सर्प से अलग करे, नहीं ही क्योंकि नौका अलग रखना। रज्जु सर्पयोर विवेके, रज्जु और सर्प का विवेक ज्ञान होने जाने पर रज्जा प्रविष्ट सर्प, रज्जु में प्रवेश कर गया जो सर्प, बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्वक, आपका बुद्धि के जन्म में संस्कार था, बुद्धि में संस्कार था क्या, वो सर्प है, वो संस्कार फिर जग करके फिर आपको सर्प दिखाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए होता है बुद्धि संस्कार पुनः पूर्ववत तद विवेकी ना उस तद विवेक रज्जु सर्प का विवेक वाले व्यक्ति का उत्थस्यति पुनरुत्थस्यति न भवति, दोबारा कभी भी नहीं हो सकते। न का न उत्थस्यति न का नहीं हाथ होगा, दोबारा उत्पन्न नहीं होता। इससे क्या सिद्ध हुआ, ये जो बोल रहे थे कि अपने संस्कार से फिर दोबारा व्यवहार करने लग जाएगा, ये भी होना संभव नहीं है। क्योंकि एक बार जिसके अंदर विवेक उत्पन्न हो गया कि ये वस्तु गर्म ही है, ये दुखदायी है, दोबारा वो फिर उसको सुखदायी समझ करके पकड़ने नहीं जाता। व्यवहारिक जगत में भी ये दिखाई पड़ता है। एक बार किसी व्यक्ति को निश्चय हो जाता है कि ये वस्तु हमारे लिए दुखदायी है, दोबारा वो मेरे को सुख दे सकते, इसका भावना को लेकर के अभिव्यक्ति बिना नहीं पकड़ने। इस व्यक्ति को जब निश्चय हो गया कि आत्मा ही एकमात्र पूर्ण सुख रूप है, और दोबारा जगत इतना दिन तक मैं भटक रहा था, तो सुखी दुखी दोनों का जो है वो हो रहा था, वो सब केवल अज्ञान के कारण था, इसलिए बुद्धि नाश हो जाने के कारण फिर दोबारा उत्पन्न होना संभव नहीं था। वहाँ पे जो देखिए तीन पद, नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्जां प्रविष्ट सर्प बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्ववत तद विवेक ना उत्थस्यति, पहले तरह उसमें विवेक हो गया उसको उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पे बोलते हैं देखिए पूर्ववत इति अविवेक अवस्थायां इति अर्थ, ठीक है, पूर्ववत कहाँ है, ऊपर भाष्यकार की पंक्ति में पूर्ववत तद विवेक ना उत्थस्यति, पहला जैसे उसका अर्थ कर दिया, मतलब अविवेक अवस्था में जो हो रहा था विवेक अवस्था में फिर वो होना संभव नहीं। उसके अंदर पूर्ववत का अर्थ कर दिया अविवेक अवस्थायां इव, अविवेक अवस्था में जैसे यहाँ पे इव लगा करके बोल रहे हैं कि वो पारमार्थिक व्यवहार नहीं है, अज्ञान निर्मित अर्थ इसका विपरीत अर्थ है। तद विवेकी नाम उसी के आगे पूर्ववत तद विवेकी नाम, तद विवेकी नाम मतलब रज्जु सर्प विवेक विज्ञानवतम, रज्जु सर्प का विवेक मतलब विचार पूर्वक अलग करने का बुद्धि योग्यता आ गया जिसका, इस प्रकार विज्ञान वाले का इतिजापति हो गया उसका विवेक तद विवेकवतम। और वहाँ पर इसके पहले आया है कि रज्जा प्रविष्ट सर्प बुद्धि संस्कारा है ना, यहाँ पे बोलते हैं बुद्धि संस्कारा इति अर्थ, बुद्धि शब्द देना सर्प भ्रांति गृह, ठीक है ना, बुद्धि शब्द द्वारा क्या दिखाई पड़े सर्प भ्रांति को यहाँ पे कहना चाहिए बुद्धि शब्द, ठीक है। उत्तम अधिकारिणा ओंकार द्वारेण परिशुद्ध ब्रह्मात्म ऐक्य विदाम अपुनरावृत्ति लक्षणम फलम उक्तम, उत्तम अधिकारी के लिए क्या हो गया ओंकार, देखिए पहले तो उत्तम सबसे उत्तम का तो महावाक्यों से ज्ञान हुआ, और फिर मध्यमों को विचार के तरह कहना, अथम में भी जो उत्तम है उसको ओंकार के विचार करते हुए ज्ञान हो गया, ठीक है ना, ध्यान देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी ना कई चीज छुपा हुआ है, ये मंद मध्यम ध्यान यहाँ पे कई चीज छुपा हुआ है, जल्दी बच नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देते उसको, समय यहीं पर रहते हैं, कल करते हैं उसको। अच्छा यहाँ पे एक मेरी टिप्पणी एक है, कहाँ पे बुद्धि संस्कारा इति अत्र बुद्धि शब्देन सर्प भ्रांति गृह्यते, ठीक है ना, बुद्धि संस्कार सजातीय भ्रमांतरस्य प्रमाउत्थ संस्कार जन्यत्व सूचना, जब प्रमाउत्थ आपने जिस प्रकार अग्नि एक वस्तु है आपने उसको पकड़ करके आपका ज्ञान हो गया कि अग्नि उष्ण है, तो सजातीय उस प्रकार की भ्रांति दोबारा आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। इसलिए प्रमा प्रमा मतलब भ्रांति नहीं, प्रमा मतलब भ्रमात्मक ज्ञान,
सजातीय प्रमांतर प्रमांत संस्कार जन्य सजातीय प्रमांतर मतलब इस प्रकार की जो वस्तु होता है ना कि अन्न दिवी मतलब एक एक वस्तु का ज्ञान हुआ आपका शब्द स्पर्श इंद्रिय का जो ज्ञान हुआ प्रमाउत संस्कार जन्य तो प्रमा से उत्पन्न होता है संस्कार उस व्यक्ति भी दोबारा उस विषय में भ्रांति नहीं कर तभी प्रवृत्त है बैचस्ट बुद्धि आप यहाँ पे लिखते हैं आज कौन सा होगा लास्ट लास्ट उपजन उदनवती त्रासने तत्पादौ पावनीयौ भवः।